सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला और आम सवाल यही रहेगा कि जो टॉन्सिल की समस्या है वो क्यों होती है? हम लोग आमतौर में काफ़ी बच्चों को देखते हैं कि वो मुंह खोल के सोते हैं, खर्राटा लेते हैं। ये काफ़ी माँ बाप सोचते हैं ये नॉर्मल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बच्चों जो मुंह खोल के सोते हैं और खर्राटा लेते हैं, वो एक पीसफुल स्लीप, जो जिसको कहते हैं एकदम आराम से सोने का, नींद उनका नहीं होता है। अगर उनका नींद अच्छा नहीं होगा तो दिन के समय में वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, खेल सकते हैं खेल नहीं पाएंगे, तो उनका ओवरऑल आउटकम आउटपुट बहुत ही सबड्यूड हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनका रात का नींद नहीं ठीक है। तो ये किस कारण के वजह से होता है? ये कारण होता है एडेनॉइड्स के वजह से। एडेनॉइड एक टॉन्सिल ही है जो नाक के पीछे होता है ना, वो नाक के पीछे पूरा वो जगह बन जगह जो खाली जगह होता है उसमें वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एंड उसके वजह से वो माउथ ब्रीदिंग और खर्राटा लेते हैं। एंड टॉन्सिल जो मुंह के अंदर हम लोग देखते हैं अथवा एडेनॉइड्स, दोनों इस मिलू जुली चीज़ें हैं। और एडेनॉइड्स एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से बच्चे सो नहीं पाते हैं, खर्राटा लेते हैं, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, और उसके वजह से उनका एडिशनल प्रॉब्लम्स होने लगता है। जैसे कभी कभी वो कान से सुनना कम हो जाता है, बिकॉज कान में फ्लूइड जम जाता है एडेनॉइड्स की वजह से। उनके दांत बाहर निकलने लगते हैं अथवा उनका नाक के बीच वाली हड्डी टेढ़ी होने लगती है। ये सब प्रॉब्लम्स होता है एडेनॉइड्स की वजह से। इसलिए अगर माँ बाप देख रहे हैं कि उनका बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, मुंह से सांस ले रहा है तथा खर्राटा ले रहा है, तो उनका एडेनॉइड्स का इलाज करना बहुत आवश्यक हो सकता है। अकेला एडेनॉइड्स को ट्रीट करते ही हम लोग काफ़ी कुछ ईएनटी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो बच्चे को दांत बाहर निकलने लगेगा और बाद में एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या नाक के बीच की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी तो उसको एक नाक का हड्डी का सीधा करने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा खर्राटा ले रहा है, माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, अथवा वो सुनाई भी कम दे रहा है कभी कभी बिकॉज एडेनॉइड की वजह से कान में फ्लूइड जम जाता है, तो ये एक समस्या है जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुंह खोल के सोने की समस्या बच्चों में ही देखी जाती है, टॉन्सिल का बढ़ना भी बच्चों में ही देखा जाता है, तो बच्चों का जो कौन सा एज ग्रुप है जो स्पेसिफिक जो इस चीज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं? बच्चों का सर छोटा होता है, इसलिए उनका छोटा एडेनॉइड, छोटा टॉन्सिल भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे जैसे उनका सर बड़ा होता है प्रॉब्लम ख़त्म होने लगता है, बट उस पीरियड में जितना प्रॉब्लम उसको करना था वो कर देता है। जैसे दांत बाहर कर देता है, नाक का हड्डी टेढ़ा कर देता है, ये सब प्रॉब्लम वो कर जाता है। तो इसीलिए पाँच से सात साल की उम्र में ही हम लोग मैक्सिमम इसको ट्रीट करना चाहिए और उससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जैसे 4-5 साल उम्र से शुरुआत हो करके और 7-8 साल की उम्र तक के अंदर में हम लोग को इसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम लेटर ऑन प्रॉब्लम बच्चे को फेस करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि एडेनॉइड्स की वजह से एक बच्चे को कितनी सारी समस्याएं हो सकती है, तो ये एडेनॉइड्स के ट्रिगर होने का, जिसकी वजह से परेशानियां शुरू ही हो जाती हैं, उनके पीछे के क्या कारण है? एडेनॉइड्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एलर्जी की वजह से हो सकता है। ये दो मुख्य कारण है, इन्फेक्शन एंड एलर्जी मुख्य कारण है एडेनॉइड्स का बड़ा होना। पेरेंट्स को ये कब समझना चाहिए कि उनके बच्चों को ऐसी कोई समस्या हो रही है और उन्हें डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है? जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, खर्राटा ले रहा है, अच्छी नींद नहीं सो पा रहा है, छटपटाता है बेड पे, तो ये सब रेड फ्लैग्स है एडेनॉइड्स की तरफ। यदि उसका सुनाई भी कम दे रहा है तो इसका ट्रीटमेंट करना एकदम आवश्यक हो जाता है। बेड पेन जैसी भी कोई समस्या होती है, बिस्तर पर पेशाब करने जैसी कोई समस्या? बेड पेन जनरली बच्चे अगर एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी होता है तो होता है, तो अगर बच्चा सोएगा नहीं तो ये सब एसोसिएटेड सिम्टम्स होता है बेड पेन जैसा सिम्टम्स। बचाव किस तरीके से किया जा सकता है?
सो अगर जो अक्यूटली बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें नेजल स्प्रे भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है. एंड अगर एक बियॉन्ड एक एडेनॉइड्स का साइज़ और टॉन्सिल का साइज़ एक साइज़ के बियॉन्ड हो जाता है तो उसका सर्जिकल डिब्राइडमेंट और सर्जिकल रिमूवल ही उसका बेस्ट ऑप्शन है.